स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर फोर्थ, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आसपास अवेलेबल है और हम उन्हें डेली जो हमारी लाइफ है उसमें यूज़ भी करते हैं, लेकिन कभी हमने उन्हें इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया जैसा कि इस चैप्टर में आपको यह बताया जाएगा कि इन चीज़ों के बारे में डिटेल में, ताकि आप एक बार इन चीज़ों को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेल स्टडी, उनके बारे में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। तो बच्चों, आप सभी को पता है, हम जैसे हमारा फूड है, हम क्लोथ्स हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के हमारे आसपास फूड भी अलग अलग टाइप का प्रेजेंट है, क्लोथ्स भी जो हम अपना चूज़ कर कर पहनते हैं, जैसे गर्मियों में हम समर में हम बेसिकली कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं, जबकि सर्दियों में हम जैकेट्स वगैरह फर वाले जो क्लोथ्स है वो यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देर इज़ सच अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। तो बच्चों, सिर्फ फूड और क्लोथ्स नहीं, हमारे पास और भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारे हमारी जो डेली लाइफ है उसको आसान बनाती हैं। तो बच्चों, हम अपने आसपास क्या क्या देखते हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली बच्चों, बुक में तो सिर्फ यही एग्जांपल दिए गए हैं, लेकिन अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आसपास मिलती हैं। तो यहाँ पर जिन चीज़ों के आपको बताया जा रहा है, जैसे आपके घर में कोई कुर्सी है, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स जो कि आपके किचन्स में अवेलेबल होते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन को कहा जाता है, बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, टॉयज़ खिलौने हो गए, वाटर हो गया, स्टोन्स पत्थर हो गए, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। तो बच्चों, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया है कि इन सभी की जो शेप है, आकार, शेप मतलब आकार, कलर, रंग एंड यूजेस, उनके शेप, कलर एंड यूजेस सबके अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, यह बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो बच्चों, हमने फर्स्ट क्या करना है, हमने पहले उन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखना है जिनकी शेप क्या है, राउंड मतलब गोलाकार। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल। तो बुक में जो एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि आपने देखा है, आप घरों में बॉल के साथ खेलते हैं, फुटबॉल के साथ खेलते हैं, ग्लास मार्बल जिसे हम कंचे भी कहते हैं, तो ये सभी आकार में क्या है, ये गोल हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड अर्थन पिचर, जिसे हम घड़ा बोलते हैं। अगर हम इन जो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दें, अगर हम और ऑब्जेक्ट्स को काउंट करें, तो उनमें एप्पल भी गोल होता है, ऑरेंज भी गोल होता है, और जो घड़ा होता है हमारे घर, वो भी क्या है, गोल है आकार में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप फिगर 4.1 को ध्यान से देख सकते हैं। 4.1 में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं, ये सिर्फ लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप अपने घर में देखोगे तो इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर ये टॉय है, यहाँ पर टॉय के अलावा आपको ग्लास दिखाई दे रहा है, फ़ोन दिखाई दे रहा, मोबाइल दिखाई दे रहा है, ग्लव्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से ये सीडी है, ये लॉक है, तो इस तरह से आपको बहुत चीज़ें अपने आसपास देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। एडिबल होता है, हम अब उन वस्तुओं को देखेंगे जो खाने के लिए, हमारे लिए खाने के लिए बनी है। एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो बच्चों, ये सभी खाने की चीज़ें, हम फूड आइटम्स हैं, वो हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप।
तो बच्चों हमने बेसिकली राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स पे ही कंसंट्रेट किया हुआ है, तो उसमें हम ऑलरेडी एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक बकेट। तो बेसिकली हमने ना अब कैटेगरी सभी ऑब्जेक्ट्स को ना कैटेगराइज कर लेना है। तो हमने सिर्फ कैटेगराइज मतलब उनको अलग अलग श्रेणी में डाल देना है। तो हमने उन ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है जो क्या है, जो सिर्फ प्लास्टिक के बने हैं। तो जैसे हमारे घरों में जो बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ, लंच बॉक्स जो आप स्कूल्स में लाते हो, टॉयज़, बहुत सारे टॉयज़, वाटर कंटेनर जिसमें आप पानी को स्टोर रखते हो, पाइप्स हो गई, ये सभी किसके बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं ना। मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों यह तो हम एक हमने जो कैटेगरी ली है प्लास्टिक की, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम जो इस मटेरियल के वो बने हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर सकते हैं। देर आर सो मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। तो हम किन किन बेसिस पर इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक तो हम उनके शेप के बेस पर कर सकते हैं और दूसरा वो जिस चीज़ से बने हैं उनके बेस पर। जैसे अभी हमने जो प्लास्टिक्स के आइटम पड़े हैं वो सभी हमने एक श्रेणी में डाल दिए हैं, लेकिन उनका आकार क्या है, अलग अलग। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल्स, जिस मटीरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोयल। तो बच्चों अब हमें देखना है अपने आसपास की और भी ऑब्जेक्ट्स को। तो इन ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली आपको अपने आसपास क्या दिखाई देता है, ग्लास की जो चीज़ें बनी हैं, मेटल्स की, धातु जिसे हम बोलते हैं, प्लास्टिक्स की, वुड मतलब लकड़ी की, कॉटन की, पेपर, मड और सोयल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल्स? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्शन है। आज आपके लिए घर का काम यही है कि आपने इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है वो किस मटेरियल के बने हैं, उनकी शेप कैसी है। ठीक है बच्चों, ये आपका घर का होमवर्क है, आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है और जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।